नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार। इस वक्त बिहार के मधेपुरा जिला के भेलवा गांव में हम हैं और यहीं के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जो मधेपुरा सदर विधानसभा सीट के विधायक हैं और इस गांव के निवासी हैं, वो बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, जिस कारण यहाँ के ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। और खास बात यह है कि पूरे जिले में जो जनता है, जो समर्थक है उनके, वो खुशियाँ मना रहे हैं। आप देख रहे हैं भेलवा चौक पर इस वक्त हम हैं, थोड़ी ही दूर पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का आवास भी है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चंद्रशेखर जी को बचपन से जानते हैं। आखिर उनकी किस तरह की छवि थी, किस तरह से वो पढ़ाई में आगे थे, शिक्षा में आगे थे और किस तरह से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, कुछ लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ रहते हैं आप? ये भेलवा में ही रहते हैं जी। शिक्षा मंत्री बने हैं, आपके ग्रामवासी हैं और मधेपुरा सदर के विधायक है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। कितनी खुशी आप लोगों? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है और शिक्षा को सुधार भी करेगा और शिक्षा अच्छा भी होगी, यही सब बात है। शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी होगी। आप लोग तो युवा हैं और शिक्षा के पैमाने पर बिहार काफ़ी फिसला हुआ है। अब चूँकि चंद्रशेखर जी आपके गाँव के हैं, कितनी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? हम लोग हमारे विधायक से कि आप जो है शिक्षा मंत्री बने हैं और शिक्षा में ज़्यादा ज़्यादा सुधार करें और हर युवक को अपने, जैसे कि हर युवक को अपने क्षमता अनुसार उनको एक कोई पद मिले, नौकरी मिले, उस हिसाब से आगे बढ़े। बिल्कुल, मतलब शिक्षा के स्तर को जो है धीरे धीरे सुधार में लाया जाएगा, ये ग्रामवासी मान रहे हैं। आप कहाँ? इसी गाँव के निवासी? भेलवा में घर है। भेलवा में ही है। चंद्रशेखर जी को आपने काफी करीब से देखा होगा जी, बहुत जानते हैं। चूंकि शिक्षा मंत्री बने हैं और पूरे बिहार के शिक्षा की जिम्मेदारी उन पर चली जाएगी, ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या लगता है कितना बेहतर होगा? हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद यादव मेरे भेलवा का है और हम लोग बहुत खुशी है और वो जो अभी मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं या बन गया है, इसलिए हम लोग को बहुत खुश है, बहुत काफ़ी काम करेगा। बिल्कुल, देखिए लोगों को उम्मीद है, जो गांव के लोग हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के, उनको उम्मीद है कि काम बहुत बेहतर होगा। थोड़ा उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे, किस तरह की उनकी छवि ऐसे गांव में रही है, नेता तो वो हैं, विधायक भी बने और उसके बाद अब शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं, पहले भी मंत्री थे, पिछली सरकार के दौरान भी मंत्री रहे थे। उनकी व्यक्तिगत छवि कैसी थी, पहले रुचि किन किन चीजों में कैसे रखी? पहले भी अच्छा था, पहले अच्छा था जी। बिल्कुल, आप लोग साथ में उनके साथ बहुत बहुत कोई भेदभाव नहीं रखता है, कोई बच्चे है, कोई बुढ़े है, कोई है, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार, जात पात नहीं बांटते हैं। देखिए तो भेलवा में लगातार हम बने हुए हैं और चलेंगे हम आगे जाकर कुछ और लोगों से बातचीत करने के साथ साथ आपको दिखाएंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर का आवास, उनके घर, और कोशिश करेंगे उनके घर के भी कुछ सदस्यों से आपको मिलवाया जाए। प्रोफेसर चंद्रशेखर का गांव मधेपुरा शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गाँव के विद्यालय से ही की है। प्रोफेसर चंद्रशेखर 2010 में पहली बार विधायक बने थे। इससे पहले भी साल 2015 में वह महागठबंधन की सरकार में आपदा मंत्री बने थे। बात करें उनके शिक्षा की तो प्रोफेसर चंद्रशेखर विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं मधेपुरा सदर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक और बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का आवास। बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये भेलवा ग्राम है और चंद्रशेखर जी के साथी के साथ साथ उनके चचेरे भाई और उनके तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में और कितनी उम्मीदें इन्हें लगती है कि बिहार की शिक्षा में अब कितना सुधार होने वाला है। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा वो एक बार दिखा दें यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को, और इन लोगों से अब हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर जी पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से बदलाव लाने वाले हैं। और अभी चूँकि मंत्री बने हैं, यहाँ पर हम बैठे थे, कुछ ग्रामीणों ने कई राय भी दी कि शिक्षा मंत्री बने हैं तो ये बदलाव होने चाहिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश यादव। रत्नेश जी, आपका प्रॉपर निवास भेलवा ही हुआ या कहीं और से आए हैं? भेलवा ही है, मेरा भतीजा है मंत्री। मंत्री जी आपके भतीजे हैं, तो कितनी खुशी है जब भतीजे मंत्री बने हैं, वो भी शिक्षा, जिसको एक अहम पायदान माना जाता है, शिक्षा मंत्रालय मिला है उन्हें, तो कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? हम तो 100% उम्मीद करते हैं कि शिक्षा में जो है सुधार हो जाएगी। शिक्षा में सुधार होगा।
व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों ने शुरू से देखा होगा उनको, तो किस तरह की उनकी छवि, कभी लगता था कि वो इतने बड़े पद पर भी जाएंगे? पहले तो विधायक बने, एक छोटे से गांव से होने के साथ साथ उसके बाद मंत्री बने, पिछले सरकार में भी आपदा मंत्री रहे और इस बार पुनः शिक्षा मंत्री का जिम्मा उन्हें मिला। देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा का जो स्तर गिर गया है, कोई मान लीजिए फर्जी तरीका से बिहार टॉपर बन जाता है, अब वो सब चीज आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ये हम 100+ बोल रहे हैं ईमानदारी से। अब जो है, जो चीजें पहले सुनने को मिल जाती थी, बिहार टॉपर ही फ्लॉप निकल गया, वो नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। शंकर जी, किस तरह से प्रोफेसर साहब के साथ आपका, नए मंत्री जो बने हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके साथ आपका संबंध रहा है? कितने करीब से आपने उनको देखा और क्या उम्मीद कर रहे हैं? चाचा जी हैं, करीब में तो रहते ही हैं, पड़ोसी भी है। तो किस तरह की उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है, शिक्षा में सुधार लाएंगे। शिक्षा में सुधार लाएंगे। व्यक्तिगत रूप से आपने उनको देखा है, पहले वो विधायक बने, फिर मंत्री बने और अब शिक्षा मंत्री वो बने हैं, तो किस तरह उनका व्यक्तित्व आपको लगता था कि आपके गांव से निकल कर कोई एक दिन बिहार का शिक्षा मंत्री बनेगा? नहीं, ये सब तो पहले तो विधायक बने, आपदा मंत्री भी बने और अब की बार शिक्षा मंत्री बने, उम्मीद तो था ही मंत्री, कोई न कोई मंत्री मिलेंगे ही नहीं इनको। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपको शिक्षा मंत्री आपके गांव के हैं? हम लोग बहुत खुशी हैं। जब से ये मंत्री साहब बने हैं, उससे पहले जो है ना, ये मधेपुरा खास करके, मधेपुरा जिला को खास करके इतना शोभा अच्छा बना कि हम लोग काफी खुशी हैं। आप लोग खुश हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अब राजद की सरकार बनी है तो गुंडा राज भी आ जाएगी बिहार में, क्या लगता है आपको, गुंडा राज आएगी या बिहार का विकास होगा? नहीं, बहुत विकास बढ़िया होगा, हम लोग बहुत खुश है इस बात के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये अथी बहुत बढ़िया हुआ, सुधरेगा। क्या नाम हो आपका? गणेश शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है कितना विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जब प्रोफेसर चंद्रशेखर के नेतृत्व में चलेगा, आप शिक्षा की नई व्यवस्थाएं चलेंगी, तो कितनी उम्मीद है आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से? शिक्षा में तो बहुत सुधार होगा और जिस हिसाब से राजद का सरकार बना है, उसको हम लोग से बहुत खुशी है। और दूसरा सवाल है कि शिक्षा में जिस तरह है, जो पहले जो फर्जी उर्जी काम हो रहा था, वो सब चीज नहीं होगा इसके शासनकाल में। बिल्कुल, तो देखिए खुशी है, खास तौर पर चूंकि शिक्षा मंत्री के ग्रामवासी हैं तो इनकी अपनी अपनी राय है और स्पष्ट रूप से लोग कह रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा नीति है उसमें बड़ा बदलाव होगा और प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरह से व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश और जुगत में जुटेंगे। आपने चंद्रशेखर जी को बचपन से देखा होगा, आप सीनियर से, आपके छोटे भाई हुए, तो क्या उम्मीद है छोटे भाई से, बड़ी जिम्मेदारी मिली है? जिम्मेदारी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझे ना, काम तो क्षेत्र में होगा ही, और शिक्षा विभाग में अच्छे काम करेंगे। अभी की जो वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था थी, पिछली सरकार जब नीतीश जी और भाजपा मिलकर चला रहे थे, एनडीए गठबंधन में चल रहा था, तब भी शिक्षा पर आवाज उठती थी, शिक्षा स्वास्थ्य और अगर आप शिक्षा स्वास्थ्य जो है बेरोजगारी तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे थे, गड़बड़ नहीं होगा इस बार, बढ़िया काम होगा सर। बिल्कुल, तो युवा भी हैं कुछ, आप लोग क्या मानते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अपने क्षेत्र के, चूंकि आपके विधायक शिक्षा मंत्री बने हैं, तो कितना बदलाव होगा इस बार? सबसे पहले तो मैं महागठबंधन पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ और माननीय नीतीश कुमार जी अपने बिहार के बारे में माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ आकर के जो बिहार के भविष्य और युवाओं का मांग, बेरोजगारी, महंगाई, सिंचाई कार्रवाई वाली सरकार होगी। और सबसे पहले आप जो तभी बोले थे सर कि हो सकता है गुंडा राज या जंगल राज, ये बिहार है सर, बिहार को भाजपा लोग बदनाम करने के चक्कर में गुंडा राज, जंगल राज कहता है। बिहार सबसे अच्छे और ये बुद्ध की धरती तो बोलते थे, नीतीश जी भी बोलते थे अभी गठबंधन में, वो भी तो बोलते थे जंगल राजा। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, अगर पार्टी सिचुएशन में रहता तो कोई भी अगर पार्टी पे दबाव करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका विधायक था अभी, तो वो एक्चुअली कोई बात नहीं है। देखिए
सबसे बड़ा जनता होता है। जनता अगर कह दे ये जनरल राज है तो जनरल राज है। ये सुशासन की भी सरकार है और माननीय तेजस्वी यादव युवा के नेता है और युवा के लिए काम होगी। और माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के बारे में जो बोल रहे थे कि आप शिक्षा मंत्री हैं, सबसे पहले तो वो प्रोफेसर है और उनके बारीक बारीक बुद्धि से समझ रहे हैं शिक्षा को, बारीकी के साथ समझ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, आपके चूंकि प्रोफेसर भी हैं और शिक्षा से जुड़े रहे हैं, तो कितना बदलाव होगा इस बार बिहार की शिक्षा में, आपका क्या मानना है? शिक्षा में तो बदलाव बिल्कुल पूरी तरीका से होगा, जो भी त्रुटि होगा उसको मतलब करीबी तौर से देखेगा और शिक्षा के बारे में पता है, शिक्षा से लगो है, जुड़ल है, शिक्षा से लगाव है, जुड़े हैं और काम होगा। आप मानते हैं पहले होता था कि स्कूल में शिक्षक ही नहीं देखते थे, कभी किसी स्कूल के अगर शिक्षक हैं भी तो उनको एप्पल लिखना नहीं आ रहा है। अभी उम्मीद है कि एप्पल सही खाएगा। लालू जी के जब शासन आया तो कंपटीशन ले करके बाहर किया टीचर का, वही काम फिर आए। लालू जी के शासन थे तो एक पैसा भी नहीं दरोगा भाई कोई पैसा लेता था, वही काम फिर मेरे चाचा जी शिक्षा में करेंगे। हम भी वितरित में प्रोफेसर हैं आदर्श डिग्री कॉलेज के, मेरे चाचा जी भी है, इसीलिए हम लोग को भी उम्मीद है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आप लोग कितना मानते हैं चंद्रशेखर जी को, उनके अंदर कितनी काबिलियत है शिक्षा मंत्री का पदभार क्योंकि उन्होंने ग्रहण किया है, और ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कितनी काबिलियत है? 101 मेरा घर भेलवा है, श्रीवनली बगल में सच्चा है, वार्ड नंबर 3 वीरेंद्र यादव। शिक्षा से 100 जुड़ा भी था, शिक्षा के बारे में विद्वान है, बुद्धिजीवी है, मंत्री रहे या नहीं रहे यदि जान जाता था कि फल्ला के बच्चा एक्सीडेंट किया तो वहाँ पर एम्बुलेंस मधेपुरा में लगा रहता था, गमरिया में रहेगी सिंगर से फोन पहलाओ और पटना में वहाँ कंपाउंडर। बिल्कुल देख रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर जो गांव की जनता है और खासकर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, मधेपुरा सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो स्पष्ट रूप से बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का दिल खोल कर स्वागत करने की तैयारियों में जुटी हुई है। और स्पष्ट रूप से इन सभी का मानना है कि बिहार की शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलनकारी बदलाव अब होगा क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर खुद प्रोफेसर रहे हैं और शिक्षा जगत से उनका जुड़ाव पुराना है, और ऐसी स्थिति में उन्हें बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाना सरकार की काबिल तारीफ बात है, और इस काबिल तारीफ बात को पुनः चंद्रशेखर जी साबित करके दिखाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर चंद्रशेखर जी किस तरह से बिहार की शिक्षा में बदलाव करते हैं और उनके शासनकाल में किस तरह से बिहार में शिक्षा का उत्थान होता है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ मैं अभिषेक कुमार।